बरसात में तीन प्रेग्नेंट भूखी बहुएं। ये सुबह सुबह क्या बन रहा है? अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? माँ जी, ये बदबू नहीं है, हम तीनों का दाल बाटी चूरमा खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए हम वो बना रहे हैं। हमारे गांव में तो हम हर हफ्ते ये खाया करते थे। ये तुम्हारा गांव नहीं, मेरा घर है, समझी? मेरे घर में इतनी लो मिडिल क्लास चीज नहीं बनेगी, यहाँ पर सिर्फ हाई स्टैंडर्ड खाना बनता है। जल्दी से इस बदबू वाले खाने को साफ करो और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ। माँ जी, आप तो जानती हैं ना, हम तीनों प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी की ऐसी हालत में अलग अलग चीजें खाने का मन होता है। हमारा मन था कि हम दाल बाटी चूरमा खाएं, इसलिए हमने बना लिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तीनों ही तो पूरी दुनिया में प्रेग्नेंट हो और माँ बनने वाली हो। हम तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुए और ना ही हमने कभी बच्चों को जन्म दिया। पता नहीं क्यों मैंने पंडित जी की बातों में आकर तुम गरीब लड़कियों से अपने बेटों की शादी करवा दी। अरे मेरे बेटे कहाँ और तुम कहाँ, तुम लोगों का तो आपस में कोई मेल भी नहीं है। दुर्गा की ये बातें सुन दुर्गा की तीनों बहुएं समानता, अंजलि और भारती को बहुत बुरा लगता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुर्गा एक अमीर परिवार से होती है, इसलिए वो अपने तीनों बेटों की शादी भी एक अमीर परिवार की लड़कियों से ही करवाना चाहती थी, लेकिन पंडित जी के कहने पर दुर्गा अपने बेटों रूपेश, परेश और नरेश की शादी इन तीनों से करवा देती है। लेकिन शादी के बाद अपनी तीनों बहुओं की गरीबी देखकर दुर्गा उनसे नफरत करने लगती है और बात बात पर उन्हें उनकी गरीबी के लिए ताने देती है। दुर्गा के तीनों बेटे विदेश में काम करते थे, जिस बात का फायदा दुर्गा उठाती थी। दुर्गा की तीनों बहुएं प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन ऐसी हालत में भी दुर्गा घर के सारे काम अपनी बहुओं से ही करवाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन दुर्गा के घर पर एक चिट्ठी आती है, जिसको पढ़कर दुर्गा हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, सब ठीक है ना? रुपेश की विदेश से चिट्ठी आई है, इसमें लिखा है कि एक तस्करी में उन तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मेरे तीनों बेटे निर्दोष हैं, लेकिन उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई भी सबूत नहीं है। अब मैं क्या करूं, मेरे तीनों बेटे कैसी हालत में होंगे? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? दुर्गा की बात सुनकर तीनों बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झूठी तस्करी में फंसने के चक्कर में रुपेश, परेश और नरेश की जॉब चली जाती है, जिस वजह से वो अपने घर पर पैसे नहीं भेज पाते हैं। पैसे ना मिलने की वजह से अब धीरे धीरे दुर्गा और उसकी बहुओं को पैसों की कमी सताने लगती थी। अंजलि बहू, मेरे कमरे से जाकर मेरी दवाई ले आओ, मेरी दवाई खाने का समय हो गया है। माँ जी, आपकी दवाई तो कब की खत्म हो चुकी है, आपको याद नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, दवाई खत्म हुए तो एक हफ्ता हो चुका है। दवाई ना खाने की वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब दुर्गा और उसकी बहुओं की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ता है। घर बेचने के बाद अब सास बहू एक फूस की झोपड़ी में रहने लगते हैं। समानता, अंजलि और भारती एक गरीब परिवार से होती है, जिस वजह से उन्हें गरीबी में जीने की आदत होती है। लेकिन दुर्गा के लिए सब कुछ बहुत नया होता है, इसलिए दुर्गा को काफी परेशानी होती है। लेकिन दुर्गा की तीनों बहुएं दुर्गा का अच्छे से ख्याल रखती हैं। माँ जी, मैंने खाट पर ये कपड़े अच्छे से बिछा दिए हैं, अब आपको सोने में ये खाट नहीं चुभेगी। और आपको ठंडा पानी पीने की आदत है, इसलिए मैंने मटके में ये पानी भी रख दिया है, अब आपको जब भी प्यास लगे तो आप मटके से पानी लेकर पी लेना। और माँ जी, इस खिड़की से आपको ठंडी ठंडी हवा भी लगेगी, जिससे आपको गर्मी में कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी बहुओं की ये सभी बातें सुनकर दुर्गा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दुर्गा को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। बहू, मैंने आज तक तुम्हारी गरीबी की वजह से तुम्हें हमेशा ताने दिए, तुम्हें कभी सास का प्यार नहीं दिया और ना ही ममता। गर्भवती होने पर भी मैंने तुम दिनों से दिन रात काम कराया, तुम दर्द सहती रही और काम करती रही, लेकिन तुम तीनों ने मेरे सामने उफ तक नहीं करी। और आज जब हमारी ऐसी हालत है तो मुझे एहसास हो गया है कि गरीबी में जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। ऐसी हालत और गरीबी में भी तुम तीनों मेरा इतना ख्याल रख रही हो, मुझे मेरी आज तक की गई सारी गलतियों के लिए माफ कर दो। माँ जी, आप क्या कह रही हैं?
आप हमसे माफी मत मांगिए। एक सास अपनी बहुओं से माफी मांगती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आज तक जो भी कुछ हुआ आप उसे भूल जाइए। अंजलि, समानता और भारती तीनों अपनी सास को माफ कर देती हैं, जिसके बाद दुर्गा अपनी तीनों बहुओं को गले लगा लेती है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ पूरे परिवार की हालत बिगड़ती जा रही थी। तीनों बहुओं का नौवा महीना होता है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है और तीनों की हालत भूख के मारे बेहाल हो जाती है। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है। पहले मेरे तीनों बेगुनाह बेटों को विदेश में जेल के अंदर बंद करवा दिया, हमसे हमारी सारी खुशियाँ छीन ली, हमें महल जैसे घर को छोड़कर इस झोपड़ी में रहना पड़ा। मेरी तीनों बहुएं गर्भवती हैं, ऐसी हालत में भी उन तीनों को ढंग से एक रोटी भी नहीं मिल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पेट में पल रहे बच्चों का क्या हाल होगा। ये भगवान, कुछ तो अपना चमत्कार दिखा। दुर्गा इतना बोल ही रही होती कि तभी बाहर से शोर की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर तीनों बहुएं उठकर बाहर जाती हैं और देखती हैं कि आज 15 अगस्त है और सभी लोग 15 अगस्त मना रहे हैं, तिरंगे को बड़ी शान से फहरा रहे हैं, जिसे देखकर तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं कि तभी उनकी नज़र वहां रखे खानों पर जाती है। इतना अच्छा खाना देखकर तीनों बहुओं के मुँह में पानी आता है, लेकिन वो उस खाने को खा नहीं सकती थी, जिसे देखकर तीनों बहुत उदास हो जाती हैं कि तभी अचानक वहाँ जोरों की हवा चलने लगती है और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। बारिश के शुरू होते ही सभी 15 अगस्त मना रहे लोग भागने लगते हैं। भागम भाग में जिस तिरंगे को अभी सभी लोग सम्मान दे रहे थे वो गिर जाता है, लेकिन किसी को भी तिरंगे का होश नहीं होता है। तिरंगे को जमीन पर गिरा देख तीनों बहू से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो गर्भवती होने पर भी बारिश में भीगती हुई जाती है और तिरंगे को जमीन से उठाती हैं। कैसे लोग हैं ये, अभी जिस तिरंगे को इतने सम्मान के साथ ये फहरा रहे थे उसे ही नीचे गिरा हुआ देखकर भी अनदेखा करने लगते हैं। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए 15 अगस्त मना रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल सही कहा तुमने, इन लोगों को तिरंगे की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। इतना कहकर तीनों बहुएं उस झंडे को दोबारा लगाकर फहराती हैं। झंडे को हवा में लहराता देख तीनों बहुएं खुश होती हैं कि तभी वो देखती हैं कि अभी भी कुछ खाना बचा हुआ है, जिसे देखकर वो तीनों उस खाने को उठाकर घर ले जाती हैं और अपनी सास के साथ मिलकर खाने लगती हैं। इतना अच्छा और पेट भर खाना पूरे परिवार ने बहुत दिनों के बाद खाया था, जिसके बाद वो सारी बातें अपनी सास को बताती हैं, जिसे सुनकर दुर्गा कहती है, बहू ये तो तुम तीनों ने बहुत अच्छा किया, तुमने हमारे तिरंगे को सम्मान दिया, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। दुर्गा इतना बोल ही रही होती है कि तभी दुर्गा के तीनों बेटे वहां आ जाते हैं। उन तीनों को देखकर दुर्गा और उसकी बहुएं बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, मेरे बच्चों तुम आ गए, कैसे हो तुम लोग, तुम लोग तो जेल में थे ना। हाँ माँ, लेकिन 15 अगस्त की वजह से हर जगह बहुत अच्छे से तहकीकात हो रही थी, जिस वजह से तस्करी करने वाले असली लोग पकड़े गए और हम लोगों को रिहा कर दिया गया। रुपेश, परेश और नरेश के आ जाने से अब धीरे धीरे दुर्गा और उसके पूरे परिवार की हालत सुधरने लगती है। कुछ ही दिनों में दुर्गा की तीनों बहुएं अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं। उनके लिए ये 15 अगस्त किसी त्योहार से कम नहीं था, अब पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहता है। मधु घर के आंगन में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी उसका पिता हरिगोविंद घर आ जाता है। पिताजी आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मधु जैसे ही अपने पिता को खाना परोसती है, तभी उसका पिता खाने का पहला निवाला अपनी बेटी मधु की तरफ बढ़ाता है। ये लो बेटो, खा ले। पिताजी आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। खा ले मधु बेटी, वरना तेरे बाबूजी खाना नहीं खाएंगे। तू तो जानती है तेरे बाबूजी खाने का पहला निवाला तुझे खिलाते हैं तो जाकर खुद खाते हैं। अपने पिता का अपने लिए इतना प्यार देखकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर वो गरीब पिता अपनी बेटी के बहते आंसुओं को पोंछकर कहता है, अरे बिट्टो तू रो क्यों रही है, तुझे कुछ चाहिए तो अपने पिता को बता। पिताजी, जिस बेटी के हिस्से में उसके माँ बाप का इतना प्यार लिखा हो, उसी भला और क्या चाहिए। ये मेरी खुशनसीबी है जो मैंने इस घर में जन्म लिया और मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप मिले। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ
कि मुझे हर जन्म में भगवान यही मायका दे। वो तो ठीक है बिटिया, मगर एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने मायके का घर आंगन छोड़कर ससुराल जाना होता है, क्योंकि बेटियां तो बेटियां होती हैं, पराई अमानत हैं, जिसे एक दिन डोली में बैठकर अपने मायके के घर आंगन से विदा होना पड़ता है। ऐसा कहते हुए हरि गोविंद भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। तभी मधु कहती है, मगर पिताजी कोई भी लड़का मुझ जैसी काली कलूटी लड़की से शादी क्यों करना चाहेगा? मधु, इस दुनिया के लिए भले मेरी बेटी काली है, मगर अपने पिता के दिल से पूछ। एक बाप के लिए उसकी बेटियों का रंग रूप कैसा भी क्यों ना हो, वो अपने बाप के कलेजे का टुकड़ा होती हैं, उसकी दोनों आंखें होती हैं। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी की शादी भी होगी और वो बहुत बड़े घर की बहू बनेगी। मधु के काले होने के बाद भी उसके माता पिता उस पर जान छिड़कते हैं। हरि गोविंद रोजी रोटी कमाने के लिए सारा दिन कड़ी धूप में सड़कों पर रिक्शा चलाता था, तब जाकर उस गरीब परिवार के घर का चूल्हा जलता था। मगर उस गरीबी में भी मधु के लिए उसका मायका किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि एक गरीब कम में भी अपनी खुशियां ढूंढना जानता है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी, जो कि बहुत ही पैसे वाले घर की गोरी सुंदर बेटी होती है, वो अपने मायके में होकर भी अक्सर खुद को अकेला महसूस करती थी। सुबह के 11 बज रहे होते हैं और अलार्म के शोर से पल्लवी की नींद खुल जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उस पर फूलों की बारिश होती है और उसके सामने रखे हुए टेडी पर बर्थडे विशिंग बजने लगती है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Pallavi, happy birthday to you. Wow, ये टेडी कितना प्रीटी है। जरूर ये सब मॉम एंड डैड ने अरेंज किया होगा, मगर वो है कहाँ? उन्होंने मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया। ऐसा कहकर पल्लवी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ जाती है। तभी वो अपनी मॉडर्न माँ कामिनी को घर से बाहर जाते देखती है। मम्मी, आज मेरा बर्थडे है और आप बाहर जा रही हो? पल्लवी, मैं किसी पार्टी के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे बर्थडे का ड्रेस मैंने ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम चेक कर लेना। और मैंने तुम्हें बर्थडे वेन्यू भी सेंड कर दिया है, वो भी चेक कर लेना। Now I'm getting late. Bye-bye. See you in evening, sweetheart. ये कहकर कामिनी अपनी बेटी को जन्मदिन की बधाई दिए बिना ही चली जाती है, जिसे देखकर पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहती है, काश मम्मी आप मुझे जन्मदिन तो विश कर देती। कोई बात नहीं, मैं डैडी को फोन करती हूँ। गुड मॉर्निंग डैडी, कहाँ हैं आप? What's a stupid question, पल्लवी? मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग डील में बिजी हूँ, तो मुझे प्लीज बार बार फोन मत करो। ये कहकर पल्लवी का पिता रंजीत फोन रख देता है, जिसके बाद उदास होकर पल्लवी अपने जन्मदिन पर बच्चों को तोहफे देने के लिए ऑर्फनेज आ जाती है। पल्लवी बहुत ही गोरी और सुंदर थी, मगर उसके अंदर जरा भी घमंड नहीं था, क्योंकि इतने बड़े अमीर घर की बेटी होकर भी वो हमेशा माँ बाप के प्यार को तरसती रही, जिस कारण अपना मायका उसके लिए मायूसी का आंगन बनकर रह गया। अब गुजरते दिनों के साथ पल्लवी और मधु की शादी सुमित्रा के बेटे रोहन और यश के साथ तय हो जाती है और दोनों बहू बनकर ससुराल आ जाती हैं, जहां सुमित्रा अपनी काली बहू को नजरअंदाज करके अपनी गोरी बहू का बहुत ही खूबसूरती से गृह प्रवेश कराती है, उसके पैरों के नीचे गुलाब के फूल बिछाती है। आओ पल्लवी बहू, अपने गोरे सुंदर पैरों को इस गुलाब के फूल पर रखकर इस घर में गृह प्रवेश करो। सुमित्रा को इस तरह का फर्क करता देखकर मधु के ससुर हरि किशन कहते हैं, सुमित्रा तुम भूल रही हो कि घर का बड़ा बेटा यश है, उसे शादी करने के बाद मधु इस घर की बड़ी बहू है, फिर तुम छोटी बहू का गृह प्रवेश पहले कैसे कर सकती हो? अजी भूल तो आप गए हैं अमीरी और गरीबी में फर्क करना, तभी तो इस जैसी काली और गरीब लड़की को बहू बना कर ले आए। इसके गरीब मायके वालों ने टेंट गिराकर सस्ती सी शादी कर दी, वहीं पल्लवी बहू के मायके वालों ने कितना महंगा बैंकेट हॉल बुक किया था और दहेज में भी कितना कुछ दिया है, और ये गरीब तो अपने मायके से एक जोड़े में ही खाली हाथ चली आई। अपनी सास के मुंह से अपने मायके को गरीब कहे जाने पर मधु को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मधु हाथ जोड़कर अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, मेरे मायके वालों को कुछ मत कहिए, और माफ कीजिएगा माँ जी, मगर इससे बड़ा दहेज और क्या होगा? एक पिता जिस बेटी को सालों तक पाल पोस कर बड़ा करता है,
एक दिन उसका हाथ किसी और के हाथ में देकर एक दूसरे घर को सजाने के लिए अपने घर की बेटी को दे देता है। इससे बड़ा दहेज और क्या होगा। बिल्कुल ठीक कहा बहू तुमने। एक बेटी का बाप होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और खुशनसीबी भी है। अपनी काली बहू की बातें सुनकर सुमित्रा चिढ़कर मधु का गृह प्रवेश कराए बिना ही वहां से चली जाती है। इसी तरह से वक्त बीतता है, मगर सुमित्रा मधु को उसके गरीब घर से होने के लिए बहुत ताने देती है और उसे जरा भी पसंद नहीं करती। वहीं गुजरते वक्त के साथ सुमित्रा की दोनों गोरी काली बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। इस खुशखबरी को सुनते ही मधु के मायके वाले अगले दिन बहुत कुछ लेकर उसके ससुराल आ जाते हैं। जी नमस्ते समधन जी। आप दोनों यूं अचानक से यहाँ? वो समधन जी, जैसे ही हमें पता चला कि हमारी बेटी माँ बनने वाली है तो हम नाना नानी बनने वाले हैं, तो बस उसे देखने चले आए। ये मिठाई आपके लिए। शुक्र है भगवान का, कम से कम तुम गरीबों को यह तो पता है कि रिश्तेदारी में खाली हाथ नहीं जाते। मगर अगली बार इस तरह से बिना बताए मुंह उठाकर अपनी बेटी के ससुराल मत चले आना। चलो बैठ जाओ यहाँ। सोफे की तरफ कहाँ बढ़े जा रहे हो, वहीं बैठो जमीन पर। बेचारे मधु के गरीब मायके वाले हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। इतने में पल्लवी वहाँ आ जाती है। आप दोनों मधु भाभी के माँ बाऊजी है ना? प्रणाम। पल्लवी उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और अपनी सास से पूछती है, माँ जी ये तो मधु भाभी के मायके वाले हैं, फिर आपने इस तरह से इन्हें जमीन पर क्यों बिठाया है? क्योंकि इन गरीबों की यही औकात है, इनके लिए जमीन ही बनी है। इतने में मधु वहाँ आ जाती है और गायत्री उसका माथा चूमकर कहती है, मधु मेरी बच्ची, तुझे देखने के लिए तेरी माँ की आंखें तरस गई थी। ये देख मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू और अपने हाथों से अचार बना कर लाई हूँ। शुक्रिया माँ। ये लो पल्लवी बेटी, मैं तुम्हारे लिए भी एक एक डब्बा लाई हूँ, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। जिस माँ के प्यार के लिए पल्लवी अपने अमीर मायके में रहकर सारी जिंदगी तरसती रही, वो प्यार उसे मधु के गरीब मायके वालों से मिला, मगर उन्हें बेइज्जती के साथ लौटना पड़ा। इसी तरह अब 9 महीने हो जाते हैं और सुमित्रा अपनी गोरी काली बहुओं की गोद भराई करती है, जिसमें वो अपनी गोरी बहू के अमीर मायके वालों को बुलाती है, जो सरियाम लोगों के सामने सुमित्रा की बहुत बेइज्जती करते हैं। ओ गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी बेटी की गोद भराई ऐसे करेंगे। ऐसे गरीबी वाली गोद भराई मैंने पहली बार देखी है। ऐसा लग रहा है इस घर में अपनी बेटी की शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बस कीजिए मम्मी डैडी, आप यहाँ से चले जाइए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पल्लवी के माता पिता के जाने के बाद सुमित्रा अपने आंसू छुपाते हुए घर के बाहर जाने लगती है। तभी मधु देखती है कि छत पर रखा गमला गिरने वाला है। ये गमला गिरने वाला है, मुझे माँ जी को बचाना होगा। हट जाइए माँ जी। मधु भागकर अपनी सास को बचा लेती है, मगर गमला उसके पैरों पर गिर जाता है, जिसके साथ उसे डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है और सभी उसे अस्पताल लाते हैं, जहां मधु एक बच्ची को जन्म देती है। वहीं सुमित्रा भी अपने किए के लिए मधु से माफी मांग लेती है और फिर सुमित्रा अपनी दोनों बहू को बराबर का प्यार देने लगती है।